जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। डी ऑप्शन में है राज्य निर्देशक सिद्धांत, इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फटाफट से दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, प्रणय जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है, अनुराग भी है, प्रीति भी है, लेकिन घृणा जो है ये प्रेम का विपरीतार्थक है, ना कि पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, घृणा। तीसरा प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो ये वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए, भारत का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो देखिए, चौथे प्रश्न का सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, पश्चिमी घाट जो है ये तप्त स्थल में शामिल है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो ये है सामंतवाद। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। चलिए आंसर बताएंगे, किस अनुच्छेद द्वारा। तो देखिए दोस्तों, 7वें प्रश्न का सही जवाब है, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, बिहार एवं
उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है ये गंडक परियोजना है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस परियोजना की शुरुआत 1961 में हुई थी, ध्यान रखना है, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चलिए नौ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। भूमिपुत्र शब्द की समस्या से संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है? तो यहाँ पे दसवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद से संबंधित है। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो यह है शुक्रवाहिका। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये कौन सी समिति बनी है, तारापुर समिति। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? चलिए आंसर बताएंगे, जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब है वोल्टता नियंत्रक में होता है। ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन रिचर्ड आर्कराइट ने। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो देखिए दोस्तों, कुमार गंधर्व जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका मानते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पूछा जाता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो जीरो फाइट्स यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो फाइट्स। तो ध्यान रखना है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरो फाइट्स कहते हैं और जल में उगने वाले पौधे को बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? चलिए 17 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो कश्मीर घाटी जो है ये पीर पंजाल और वृहत हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस माध्यम में? फटाफट से आंसर कीजिए, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरण करती है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक संचरण करती है, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट गैस में। यानी कि सबसे अधिक याद रखना है ठोस, उसके बाद फिर द्रव और सबसे लास्ट में गैस में, और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है।
तो यहाँ पे सही जवाब है ठोस में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है ये कमायनी है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, चलिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है ये मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो सिंपल से याद रखिए, समाप्त होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि कोयला हो गया ये समाप्त हो सकता है, तो यहाँ पे कोयला क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब नियोजित विनियोग से बचत से अधिक हो तो क्या होता है, ब्याज की दर घटती है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें हैं सेल खड़ी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और इसका आंसर क्या बताया था, सामंतवाद, याद कर लीजिए सामंतवाद। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, ये भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह एक क्या है, संस्मरण है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, तो देखिए दोस्तों जल चक्र में वर्षण भी होता है, वाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है संचलन, तो ये संचलन नहीं होती है। आगे देखिए संयोजक यौगिक क्या होते हैं, सोच समझकर आंसर देना है, संयोजक यौगिक, तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, संयोजक यौगिक जो है बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शून्यकाल का समय जो होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्तों बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और वर्तमान में बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो याद रखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है,
देखिए दोस्तों, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है यह है मितभाषी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मितभाषी। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा है? तो याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, यह है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूंजीगत और विकास व्यय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये जो है समीक्षात्मक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और ये ध्यान रखना है, कविता की परख जो ये निबंध है ये किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और इस निबंध का प्रकार क्या है? तो समीक्षात्मक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश, यानी कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, और प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, योजना आयोग। और अभी वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर क्या है? तो नीति आयोग है। और नीति आयोग की स्थापना हमने आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? चलिए फटाफट से 39 के लिए आंसर बताएंगे। तो मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट जो है साल्मोनेला टाइफी, इसके संक्रमण को दर्शाता है। और देखिए दोस्तों, साल्मोनेला बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है और ये मनुष्य की आंतों को प्रभावित करता है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको खासकर ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? 15-20% क्रोमियम होता है, 8-10% निकेल होता है और आयरन होता है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।